सलाम आदाब नमस्ते। झांसी से आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज़। आज मैं आपको झांसी की एक ऐसी उभरती हुई शख्सियत से मिलवाना चाहता हूं, रूबरू कराना चाहता हूं, जो किसी नाम के मोहताज नहीं है। आइए मैं आपकी मुलाकात कराता हूं। सर आपके सर नाम क्या है? मेरा नाम शकील खान है और मैं समाजवादी पार्टी से पूर्व प्रवक्ता रहा हूँ। समाजवादी पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। समाजवादी पार्टी के आप पूर्व प्रवक्ता रह चुके हैं, वर्तमान में सर अभी आप किस प्रकार रहते हैं? वर्तमान में मैं इस समय एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रहा हूँ। और मैं सन 2000 में समाजवादी पार्टी से जुड़ा था एक साधारण सदस्य के रूप में। प्रारंभिक सदस्यता मैंने 2000 में ली थी। उसके बाद में 2002 में मुझे जिला सचिव बनाया गया। 2005 में मुझे झांसी विधानसभा अध्यक्ष योगजन सभा बनाया गया। उसके बाद मुझे समाजवादी पार्टी महानगर लॉबी में महासचिव की बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा गया था। इसके बाद निरंतर समाजवादी पार्टी के लिए काम करने और उत्साह के साथ पार्टी के हमारे माननीय डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव जी, माननीय पूर्व विधायक दरोगा आदरणीय दीप नारायण सिंह यादव जी, हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं ने हमारे कार्य और हमारे उत्साह को देख करके हमें जिम्मेदारी दी थी जिला प्रवक्ता पद पर। और जिला प्रवक्ता पद हम 2016 तक रहे और उसके बाद में आज एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में उसी उत्साह के साथ आज भी हम काम कर रहे हैं। अरे शकील भाई, जो आपने शुरू से स्ट्रगल करा उस दरमियान में आपको कुछ परेशानियाँ या कोई असुविधा या आपने क्या कार्य किए तब से लेकर अब तक लोगों के लिए, आपकी पार्टी एवं आपने? देखिए, समाजवादी पार्टी हमारे सामने जब सरकार में आई 28 अगस्त 2003 को समाजवादी पार्टी की हमारे सामने जब हम समाजवादी पार्टी में सदस्य बने 28 अगस्त 2003 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और उस समय मुख्यमंत्री माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी थे और 2007 तक ये सरकार रही। उस दौरान समाजवादी पार्टी के द्वारा जो भी जनकल्याणकारी योजनाएं प्रदेश के अंदर लागू की गई, निश्चित रूप से इस प्रदेश को विकास का एक नया मार्ग मिला समाजवादी पार्टी की सरकार और माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में। माननीय मुलायम सिंह जी का जो नारा था वो था दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, रोटी कपड़ा सस्ती हो। क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी किसान गरीब परिवार से निकल कर के आए हैं, उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत संघर्ष किया है और वही संघर्ष हमारे बुंदेलखंड के नेता डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव जी ने, माननीय गरोठा विधायक दीप नारायण सिंह यादव जी ने और बड़े नेताओं ने, जो पार्टी के पुराने हमारे सीनियर नेता हैं, सभी ने मिलकर के इस बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी की क्रांति और आंदोलन को मजबूत किया है। और आज देख रहे हैं कि आज समाजवादी पार्टी 2012 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सफल रही। 2017 तक माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में प्रदेश का चहुंमुखी विकास हुआ और वो विकास कार्य हुए जो अब तक के मुख्यमंत्रियों में 1952 से लेकर के अब तक के मुख्यमंत्रियों में हमारे अखिलेश यादव जी पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार में सबसे ज़्यादा विकास कार्य करके दिखाए हैं। क्योंकि माननीय मुलायम सिंह यादव जी के बेटे और उनका माननीय मुलायम सिंह जी का मार्गदर्शन को रहा है, लोहिया जी के आदर्शों पर चल करके माननीय छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र जी के आदर्शों पर चलकर माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रदेश को एक नया विकास का मार्ग दिया। जिस विकास के मार्ग पर आप देख रहे होंगे कि चाहे वो लखनऊ एक्सप्रेसवे हो, चाहे वो लखनऊ के अंदर मेट्रो सिटी हो, हमारे झांसी के अंदर देख लीजिए कितने विकास कार्य हुए। आप पैरामेडिकल देख लीजिए, आज कोरोना की महामारी में, आज वही कोरोना के विकट संकट में हमारा पैरामेडिकल कॉलेज जो माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कार्यकाल में बनाया गया था और यहाँ तक कि मेडिकल कॉलेज में 500 बेड का अतिरिक्त अस्पताल। आप जो सीवरी का, जो आपकी झांसी के जो सीवरी का ओवरब्रिज है ये अभी तक रुका हुआ है, इसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहेंगे। मैं उन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आपकी बात करके कहूँ कि अभी एक युवक की मौत भी हुई उस घटने में गिरकर। हाँ बिल्कुल, ये दुखद है और निंदनीय है। हम इस घटना का जो है दुख प्रकट करते हैं, लेकिन ज़रूर ये बात कहना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी के सरकार के कार्यकाल में सीपरी बाजार ओवरब्रिज बनाया गया जी। इसके पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आज वर्तमान भाजपा सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के पहले जब 2017 की सरकार थी जी। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इतना ढोल मजीरा बजाया
इतना जो है समझ लीजिए कि पब्लिक को मतलब अनुरोध किया, लोगों से कहा कि सीपरी बाजार ओवरब्रिज बनना जरूरी है, बहुत सारे ज्ञापन दिए, बहुत सारे धरना प्रदर्शन दिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, आंदोलन भी किए, सीपरी बाजार महासमिति के लोगों ने आंदोलन किए, सभी ने आंदोलन किए, लेकिन उस सीपरी बाजार ओवरब्रिज का निर्माण कार्य अगर किसी की सरकार में हुआ तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं हो सका, समाजवादी पार्टी की सरकार में ही उस सीपरी बाजार ओवरब्रिज का निर्माण कार्य कराया गया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, 2003 की जब सरकार माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, मुलायम सिंह यादव जी हमारे झांसी में चिरगांव के रामनगर में आए थे और माननीय डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव जी उस समय हमारे लोकसभा से सांसद थे, माननीय मुलायम सिंह यादव जी आए और माननीय डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव जी ने रामनगर की विकट समस्या जो कहा जाती थी, जो कि गरौठा और चिरगांव को जोड़ने वाली जो 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 मार्ग था, जो पुल था, वहां पर कच्चा बना हुआ था, वहां पर नदी ऊपर से उफान मार देती थी तो लोग निकलना बंद कर देते थे और खतरा बना रहता था, लेकिन माननीय मुलायम सिंह यादव जी को आग्रह किया माननीय डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव जी ने, और उन माननीय डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव जी के आग्रह पर मुलायम सिंह जी झांसी आए और रामनगर घाट पर आकर के उस पुल का शिलान्यास किया था, और मैं उस वक्त का साक्षी हूँ। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने अधिकारियों को बुला करके ये पूछा था कि बताओ ये निर्माण कब तक पूरा हो जाएगा, ये जो है रामनगर घाट का पुल कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जब पूछा था तो अधिकारियों ने कहा था कि 2 साल में ये साफ पूरा कर देंगे, लेकिन माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि और कम वक्त में पूरा करो। तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कह दिया था कि मैं फलाने साल में आऊंगा और इसका उद्घाटन करूंगा। अब देखिए हमारे मुलायम सिंह यादव जी को क्यों कहा जाता है कि जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है, उसूलों पर जो कायम है उसका नाम मुलायम है, जिसने कभी ना झुकना सीखा उसका नाम मुलायम है, जिसने कभी ना रुकना सीखा उसका नाम मुलायम है, और उसूलों पर जो कायम है उसका नाम मुलायम है। मुलायम सिंह यादव जी को ये कहा जाता है कि उन्होंने जो कह दिया वही करने वाले हैं, वही माननीय अखिलेश यादव जी ने अगर कह दिया तो वही करके दिखाने वाले लोग हैं। शकील भाई, ये जो कोरोना काल चल रहा है, लोगों की मृत्यु हो रही है, होम आइसोलेट हो रहे हैं, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वैक्सीन तो भाई अभी बनी हुई नहीं है, जैसा भी शासन प्रशासन पूर्ण रूप से मेहनत कर रहा है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए कोरोना काल में मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ही ऐसा विकट संकट है, जिस संकट में चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस पार्टी का व्यक्ति हो, इस कोरोना के विकट संकट काल में हम सभी राजनीतिक दलों को, धार्मिक संगठनों को, सामाजिक संगठनों को, जन सामान्य को इस कोरोना काल के संकट को दूर करने में सभी का सहयोग करना चाहिए। जो प्रशासन ने व्यवस्थाएं बनाई हैं उन व्यवस्थाओं का पालन करें ताकि इस कोरोना काल से हम सबको मुक्ति मिल सके। ये विकट काल बहुत ही खतरनाक है, मैं सभी से आग्रह यही करता हूं कि जब घरों से निकलें तो जो शासन के प्रशासन के जो नियम हैं, सैनिटाइजर से लेकर के मास्क से लेकर के दूरी बनाने को लेकर के सारी चीज़ों की जो है नियमता पालन करें ताकि इस विकट कोरोना काल से हम सबकी रक्षा हो सके। शकील भाई, आपसे एक आखिरी सवाल, कि संज्ञान में आया है कि कई अदर पार्टियों से लोग अपनी अपनी पार्टी छोड़ के सपा ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्या रीज़न है कि आदमी क्यों अभी तो वर्तमान सरकार में लोग हैं ही, सरकार चल रही है, इलेक्शन अभी हुआ नहीं है, आप सपा में ही क्यों आ रहे हैं लोग आपके? देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, ये आपका सवाल नहीं है, ये जनता का सवाल है। जनता ये बराबर देख रही है कि समाजवादी पार्टी की तरफ, चाहे वो हमारा किसी भी धर्म समाज का व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी वर्ग समाज का व्यक्ति हो, चाहे जन सामान्य हो, हर व्यक्ति की आस्था समाजवादी पार्टी से जुड़ चुकी है, क्योंकि लोगों ने ये देख लिया है, जनता ने देख लिया है, प्रदेश ने देख लिया है कि धर्म जाति की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी, भेदभाव की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी, बंटवारा करने वाली भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने बिल्कुल से नकार दिया है, और आज प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है। निश्चित रूप से माननीय अखिलेश यादव जी, उनका अगला मकसद है कि अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे तो कन्याओं को विद्याधन फिर से मिलने लग जाएगा, किसानों को पेंशन फिर से मिलने लग जाएंगी, हमारी वृद्ध माता और बुजुर्गों को पेंशन मिलने लग जाएगी, लैपटॉप मिलने लग जाएगा, बेरोजगारी भत्ता मिलने लग जाएगा, छात्रवृत्ति मिलने लग जाएगी। फिर से अखिलेश यादव जी ने कहा था कि एक बार आप दौड़ करके दिखा देना, थोड़े से नियम पूरे करके दिखा देना, आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। आज देख लीजिए
आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संविदा की स्थिति आ गई है, जो पक्की नौकरी से उम्मीद लगाए बैठे लोग हैं, सारी जो है डिग्रियां लेकर के लोग बैठे हैं, एमए किए हुए हैं, एमएम एलएलएम किए हुए हैं लोग हैं, सारे लोग जो बड़े पढ़े पढ़े लिखे होने के बावजूद आज नौकरी को तरस रहे हैं, बेरोजगारी नौकरी को तरस रहे हैं, बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं कोरोना संकट के समय। वो भी इस स्थिति में अगर कोई व्यक्ति सूर्योदय नाम का निकलेगा तो माननीय अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के नेतृत्वकर्ता होंगे और वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो निश्चित रूप से इस प्रदेश का विकास संभव है। आप देख रहे थे झांसी से अर्शदाब्दी शकीजा भाई के साथ, झांसी से बीपीए की न्यूज़ रिपोर्ट अर्शदाब्दी।